गुड मॉर्निंग ऑल द डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एट्थ लेसन स्केलेटन एंड द मस्कुलर सिस्टम, कंकाल तंत्र और मांसपेशीय तंत्र। यू कैन सी द ह्यूमन स्केलेटन हियर, दिस इज ह्यूमन स्केलेटन। यू कैन सी, आप देख सकते हैं इस ह्यूमन स्केलेटन में। और अब आप हम करेंगे हमारा लेसन मास्कुलर सिस्टम, मांसपेशीय तंत्र, यानी जिससे हमारी मांसपेशियाँ होंगी। द ऑर्गेन इन अवर बॉडी डू नॉट वर्क अलोन, हमारे शरीर के अंग अकेले काम नहीं कर सकते। दे वर्क टूगेदर विद ऑर्गेन्स, वे दूसरे अंगों से मिलकर कार्य करते हैं। ए ग्रुप ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गेन्स मेक एन ऑर्गन सिस्टम, एक उत्कों का समूह या और अंगों का समूह मेक एन ऑर्गन सिस्टम, एक तंत्रिका तंत्र बनाता है। मैनी सिस्टम वर्क इन ह्यूमैन, और मानव में बहुत सी व्यवस्थाएं, बहुत से तंत्र काम करते हैं। आवर बॉडी वर्क लाइक ए मशीन, हमारा शरीर एक मशीन की तरह कार्य करता है। देर आर मैनी डिफरेंट पार्ट, या बहुत से अलग अलग भाग हैं। दैट वर्क टुगेदर इन ए मशीन, जिस पर जो हम इस मशीन के अंदर एक साथ मिलकर काम करते हैं। सिमिलरली, उसी प्रकार मैनी सिस्टम वर्क इन ह्यूमन बॉडी, उसी प्रकार मानव शरीर में भी बहुत से तंत्र मिलकर काम करते, सिस्टम होते तंत्र व्यवस्था। एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, और मसल्स कैन नॉट बी सपोर्टेड विदाउट द बोन्स, हमारी मांसपेशियों को बगैर हड्डियों के सहारा नहीं मिल सकता। अवर लीवर एंड किडनी वर्क विद अवर स्टोमैक, और हमारा लीवर और हमारी किडनी, गुर्दे, वर्क विद अवर स्टोमैक, हमारे पेट के साथ काम करते हैं। एंड इंटेस्टाइन टू फॉर्म अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमारी आंतें हमारे पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। At every time, our cells, tissue, organs and system work together. और हर बार हमारी कोशिकाएं, उत्तक, अंग और तंत्र work together, एक साथ मिलकर काम करते हैं। But we do not know that this is happening in our body. परंतु हम नहीं जानते कि ऐसा हमारे शरीर में घटित होता रहता है। Skeleton system, कंकाल तंत्र। फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स, हमारे शरीर का पूरा ढांचा हड्डियों से बना है। दिस फ्रेम ऑफ बोन्स गिव शेप टू द बॉडी, और यह हड्डियों का यह ढांचा हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है। दिस फ्रेम ऑफ बोन्स प्रोटेक्ट आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन फ्रॉम इंजरी, हड्डियों का यह ढांचा हमारे शरीर के अंदर महत्वपूर्ण अंगों को चोट पहुंचाने से बचाता है। विदाउट द हार्ड स्केलेटन, इस कठोर कंकाल तंत्र के बिना, वी वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड, हम खड़े होने योग्य नहीं होंगे, और वॉक अपराइट और सीधे चल नहीं पाएंगे। एंड बॉडी वुड कोलैप्स, और हमारा शरीर ढेर हो जाएगा। देर आर 206 बोन इन एन अडल्ट बॉडी, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 206 हड्डियाँ होती हैं। द स्मॉलेस्ट बोन फाउंड इन द मिडल ऑफ द ईयर इज 25 मिलीमीटर लॉन्ग, और सबसे छोटी हड्डी कान के बीच में केवल 25 मिलीमीटर की होती है। द बिगेस्ट बोन इज द थिक बोन, कार्ड फेमर, सबसे बड़ी हड्डी हमारी जांग की हड्डी होती है, जिसे फेमर कहता है, कहा जाता है।
विच इज 20% ऑफ द बॉडी हाइट, और यह हड्डी हमारे शरीर की ऊंचाई की लगभग 25% हिस्सा होती है। मैनी ऑफ दिस बोन्स फ्यूज टूगेदर, यहाँ पर अनेक हड्डियाँ एक साथ मिली हुई होती है। द बोन्स आर डिफरेंट शेप एंड साइज, हड्डियाँ भिन्न भिन्न आकार और शक्ल की होती है। शेप होती है शक्ल, साइज होता है आकार। दे कैन बी शॉर्ट, वे छोटी हो सकती है, लॉन्ग लंबी हो सकती है, फ्लैट चपटी हो सकती है, और इरेगुलर या एनिमित हो सकती है, यानी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। द लेग एंड द आर्म बोन्स आर लॉन्ग, हाथ और पाँव की हड्डी लंबी होती है। द चेस्ट बोन आर थीन, छाती की हड्डी पतली होती है। द बोन इन द हेड आर राउंड, हमारे सिर की हड्डी गोल होती है। द बोन इन द फिंगर आर शॉर्ट, और उंगलियों की हड्डी छोटी होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में भिन्न भिन्न आकार की और भिन्न भिन्न शक्ल सूरत की हड्डियाँ होती है। और बोन्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल, हमारी हड्डियाँ जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। दैट इज़ वाई, इसी कारण दे ग्रो एज वी ग्रो, इसी कारण जैसे कि हम आगे आगे बढ़ते हैं, वी ग्रो वो भी बढ़ती हैं, एज वी ग्रो, और जब हम बढ़ते हैं, न्यू सेल ऐड टू द बोन्स, नई नई कोशिकाएं हमारी हड्डियों में शामिल हो जाती है। एंड दे बिकम लॉन्गर एंड बिगर, और वे हड्डियाँ लंबी और बड़ी हो जाती है। टाइम टू थिंक, सोचिए, ए न्यू बॉर्न बेबी हैज़ अबाउट 35 बोन्स, एक नवजात शिशु के अंदर 305 हड्डियाँ होती हैं। एज ही सी ग्रो, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, सेवरल स्मॉल बोन ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म ए लार्जर बोन, अनेक छोटी छोटी हड्डियाँ एक साथ मिलकर एक बड़ी हड्डी का निर्माण करती है। सो एन एडल्ट हैज 206 बोन्स ओनली, इसलिए एक वयस्क के अंदर केवल 206 ही हड्डियाँ होती हैं। आवर बोन्स कंटेन कैल्शियम इन दैम, हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम होता है। द मिनरल आर नॉन लिविंग एज बोन्स आर हार्ड, द मिनरल्स और ये खनिज आर नॉन लिविंग, निर्जीव होता है, एज बोन्स आर हार्ड, और हड्डियों की तरह ही कठोर होता है। पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, मानवीय कंकाल तंत्र के अंग। द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल, बैकबोन, रिब्स, टू पेयर ऑफ लिम्स अटैच टू द टू गिडल्स, मानव शरीर एक खोपड़ी, बैकबोन एक रीढ़ की हड्डी, द रिब्स और पसलियां, एंड टू पेयर ऑफ लिम्स और दो जोड़े हाथ पाँव की हड्डी अटैच टू ग्रीडल्स, जो दो ग्रीडल से जुड़ी होती है। ग्रीडल का मतलब होता है जहाँ पर घुमाव होता है, दिस इज ग्रीडल्स। द स्कल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिर की खोपड़ी। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन इनसाइड इट, खोपड़ी अपने अंदर दिमाग को सुरक्षित रखती है। द स्कल कंसिस्ट ऑफ 8 फ्लैट बोन्स इंटरलॉक टुगेदर, और खोपड़ी की हड्डियाँ 8 चपटी हड्डियों से इंटरलॉक्ड होती है। जैसे हम गलियों में लॉक बिछाते हैं एक दूसरे से, वो फंस जाते हैं,
तो उनको बोलते हैं इंटरलॉक, एक दूसरे के बीच में बंद हो जाना, टुगेदर एक साथ, यानी आठ हड्डियाँ एक दूसरे से इंटरलॉक होती है। 14 बोन्स टुगेदर मेक द फेशियल रिंग इंक्लूडिंग अपर एंड लोअर जॉ। लगभग 14 हड्डियाँ मिलकर हमारे चेहरे का निर्माण करती हैं, जिनमें ऊपर और नीचे का जबड़ा भी शामिल है। दिस बोन ऑफ स्कल एक्ट एज परमानेंट हेलमेट इनसाइड द हेड। दिस बोन ऑफ स्कल, खोपड़ी की ये हड्डियाँ एक्ट एज ए परमानेंट हेलमेट, एक स्थायी हेलमेट की तरह काम करती है इनसाइड द हेड, सिर के अंदर। द थिक स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, मोटी जो खोपड़ी होती है, मोटी जो हड्डी होती है, वो दिमाग की सुरक्षा करती है। टंग जुबान की, आईज आँखों की एंड इनर ईयर्स और आंतरिक कान की। द लोअर जॉ बोन इज द ओनली मूविंग बोन इन द स्कल, और नीचे के जबड़े की हड्डी खोपड़ी के अंदर एकमात्र ऐसी हड्डी है जो मूव कर सकती है, हिल सकती है। दिस इनेबल अस टू च्यू और फूड एंड टू टॉक, और यह हमें अपना भोजन चबाने और बातें करने में सहायता करती है। द बैकबोन और स्पीन, रीढ़ की हड्डी, या हम इसको कह सकते स्पीन, मेरुरज्जु। द स्कल इज अटैच टू द बैकबोन, खोपड़ी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 33 बोन, और इसके अंदर 33 हड्डियाँ होती है। दीज आर कॉल्ड वर्टेब्रे, जिसको हम वर्टेब्रे कहते हैं। ऑल वर्टेब्रे टूगेदर फॉर्म ए कॉलम दैट प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पिनल कॉर्ड। आर वर्टेब्रे, और सभी ये मनके, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, दिस इज आर 1 2 3, दिज आर 33 एंड दिज आर कॉल्ड वर्टेब्रे। दिज आर कॉल्ड वर्टेब्रे, और इन्हें हमको मनके या वर्टेब्रे कहते हैं, या डिस्क भी कह सकते हैं हम इनको। वर्टेब्रे क्या कहते हैं? डिस्क। ऑल वर्टेब्रे टूगेदर फॉर्म ए कॉलम, सभी ये डिस्क मिलकर एक कॉलम बनाती है। दैट प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पिनल कॉर्ड, जो एक नाजुक से स्पिनल कॉर्ड, मेरुरज्जु के धागे जैसी संरचना, यानी नस, जिसको हम वेन कहते हैं, की सुरक्षा करती है। द स्पिन होल्ड अवर नेक एंड हेड अप, और रीढ़ की हड्डी या मेरुरज्जु हमारी गर्दन और सिर को ऊपर उठाए रखती है। द रिब्स, पसलियाँ। द रिब्स आर थिन, पसलियाँ हड पतली, क्राउड बोन मुड़ी हुई हड्डियाँ हैं। दैट फॉर्म ए केज, जो एक पिंजरे से पिंजरे का निर्माण करती है। अराउंड द हार्ट एंड लंग्स, दिल और फेफड़ों के चारों ओर। देर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, मानव शरीर में 12 पसलियों की जोड़े हैं। द रिब्स आर ज्वाइंट टू द बैकबोन, और ये सभी पसलियाँ रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं। एंड द ब्रिस्ट बोन इज इन द फ्रंट, और छाती की हड्डी सामने होती है, पीछे से बैकबोन से जुड़ी होती है और आगे छाती की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। द टू पेयर ऑफ द लोअर रिब्स आर नॉट अटैच टू द ब्रिस्ट बोन, नीचे के 2 जोड़े पसलियों के हमारी छाती की हड्डी से जुड़े हुए नहीं होते। हैंस दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, इसलिए उन्हें हम तैरती हुई पसलियाँ कहते हैं। आप महसूस भी कर सकते हैं, जब आप छाती के सबसे नीचे हिस्से पर लगाते हैं तो दो थोड़ा सा कठोर हिस्सा नीचे जब दबाते हो तो दब जाता है। तो ये दिज आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। दिज आर ज्वाइंट ओनली टू बैकबोन, और ये केवल पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं। लिम्स, द आर्म आर ज्वाइंट टू द स्पीन विद द हेल्प ऑफ
शोल्डर गिर्डलेस विच कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स एंड ए पेयर ऑफ कॉलर बोन्स द लिम्स। वैसे तो लिम्स होते हैं अंग, लेकिन यहाँ पर हाथ पाँव की हड्डियाँ। द आर्म आर ज्वाइंट, बाजू जुड़ी हुई होती है, टू द स्पीन, मेरुरज्जु से, विद द हेल्प ऑफ शोल्डर गिर्डलेस, कंधों के गिर्डलेस। गिर्डलेस होता है कब्जे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये दीज आर गिर्डलेस, वेयर आई टच इट, दीज आर गिर्डलेस एंड इट इज द शोल्डर बोन। द आर्म आर ज्वाइंट टू द स्पीन विद द हेल्प ऑफ द शोल्डर गिर्डल, बाजू में हमारे रीढ़ की हड्डी के साथ कंधे के गिर्डल से जुड़ी होती है, विच कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स, जिन पर दो कंधे के ब्लेड लगे होते हैं, एंड ए पेयर ऑफ कॉलर बोन, और एक कॉलर बोन्स होती है, ये दिस इज द दिस बोन्स इज द कॉलर बोन्स, वेयर आई टच इट, दिस बोन इज द कॉलर बोन्स। इन द अपर आर्म देर इज ओनली वन लॉन्ग बोन, ऊपरी बाजू में केवल एक ही लंबी हड्डी होती है, कॉल्ड द हुमरस, इसको हुमरस कहते हैं। द लोअर आर्म हैज़ टू बोन्स, नीचे की बाजू में दो हड्डियाँ होती है, कॉल्ड रेडियस एंड उल्ना, जिसको हम रेडियस और उल्ना कहते हैं। द अपर आर्म ज्वाइंट द लोअर आर्म एट द एल्बो, ऊपर की बाजू नीचे की बाजू से कोहनी के ऊपर जुड़ी हुई होती है। मैनी स्मॉल बोन्स मेक अप द रिस्ट, बहुत सी छोटी छोटी हड्डियाँ कलाई का निर्माण करती है, पाम हथेली का एंड द फिंगर, और उंगलियों का। द अपर लेग हैज़ ए लॉन्ग बोन कॉल्ड फेमर, ऊपर की टांग की एक लंबी हड्डी होती है जिसे फेमर कहा जाता है, आवर्थिक बोन या जांग की हड्डी। द लोअर लेग हैज़ टू बोन्स, नीचे की टांग पे दो हड्डियाँ होती है, कॉल्ड टिबिया एंड फेबुला, जिसको हम टिबिया और फेबुला कहते हैं। द एंकल एंड द टॉयज, टखने और अंगूठे, कंटेन मैनी स्मॉल बोन्स, टखने और अंगूठों में बहुत सी छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। द बोन्स ऑफ द लेग्स आर अटैच टू द हाफ हीप बोन्स, द बोन्स ऑफ द लेग्स, टांगों की हड्डियाँ आर अटैच जुड़ी हुई होती है, टू द हीप बोन्स, हमारे कुल्लों की हड्डियों से, विच इज मेड अप ऑफ थ्री बोन्स, जो तीन हड्डियों से मिलकर बने होते हैं, ज्वाइंट टुगेदर, जो एक साथ जुड़ी होती हैं, ज्वाइंट। उसके बाद आते हैं हम जोड़, जोड़ों पर। ए ज्वाइंट इज ए पॉइंट, ज्वाइंट वो बिंदु है वेयर टू बोन मीट, जहाँ पर दो हड्डियाँ आकर मिलती हैं। ज्वाइंट अलाउ अस टू बैंड, ट्विस्ट और किक, जोड़ हमें झुकने, मुड़ने और लात मारने की आज्ञा देते हैं, लात मारने में सहायता करते हैं। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के जोड़ हैं। ईच काइंड ऑफ ज्वाइंट अलाउ ए डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट, और प्रत्येक प्रकार का जोड़ एक भिन्न प्रकार की हलचल का आज्ञा देता है, भिन्न प्रकार की हलचल को करने में हमारी सहायता करता है। फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल होता है गोल, बाल जैसे गोल गोल ज्वाइंट, एंड सॉकेट सॉकेट की तरह। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कैन मूव फ्रीली, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। द वन
एंड ऑफ सम बोन इज राउंड लाइक ए बॉल। कुछ हड्डियों का अंतिम सिरा एक बॉल की तरह गोल होता है। इट फिट्स इनटू ए होलो पार्ट्स, और ये खोखले पार्ट में फिट हो जाता है, जिसको हम सॉकेट कहते हैं। ऑफ द अदर बोन, दूसरी हड्डी के, यू कैन सी आवर आर्म, दिस इज राउंड इन शेप एंड इट इज ए होलो पार्ट्स, इट हैज अटैच्ड टू द अदर बोन्स लाइक दिस। इट इज ए हिप, हमारे कुल्लों की हड्डी है, और ये हमारी टांग की हड्डी है, जो इसके अंदर आकर फिट हो जाती है। द होलो पार्ट विच हैज फाउंड इन द बोन इज कॉल्ड सॉकेट, एंड द एंड ऑफ मैनी बोन्स इज राउंड विच इज कॉल्ड बॉल। द ज्वाइंट ऑफ शोल्डर एंड हिप्स आर बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ ज्वाइंट। हमारे कंधे और हमारे कुल्लों के जोड़ बॉल और सॉकेट टाइप के ज्वाइंट है। दिस अलाउ अस टू स्विंग आवर हैंड्स, या हमें अपने हाथों को घुमाने एंड लेग्स और टांगों को घुमाने की आज्ञा देते हैं। वाइल द शोल्डर एंड हिप्स स्टे परफेक्टली स्टील, जबकि हमारे कंधे और कुल्ले बिल्कुल स्थिर रहते हैं। नेक्स्ट, हींग ज्वाइंट। द हींग ज्वाइंट, हींग होता कब्जे, जिस प्रकार हम अपने दरवाज़ों पर लगाते हैं, जो दरवाजे को सहारा देते हैं और मूवमेंट करने में उनके हेल्प करते हैं। द हींग ज्वाइंट वर्क्स लाइक द हींग्स इनडोर। कब्जेधारी जोड़ हमारे उसी प्रकार सहायता करते हैं जिस प्रकार दरवाज़ों में कब्जे सहायता करते हैं। द ज्वाइंट ऑफ एल्बो, नीज, फिंगर एंड टोज आर द टाइप्स ऑफ हिंग ज्वाइंट। हमारी कोहनी, हमारे घुटने, हमारी उंगलियों और हमारे अंगूठों के जोड़ इसी प्रकार के जोड़ हैं। दिस ज्वाइंट हेल्प द बॉडी पार्ट टू मूव इन वन डायरेक्शन। ये जोड़ हमारे शरीर के एक भाग को एक दिशा में घूमने में सहायता करते हैं, केवल एक दिशा में। आप बाजू कोहनी में से मोड़ते हैं तो आप एक दिशा में मोड़ सकते हैं, दूसरी तरफ उसको नहीं मोड़ सकते। उसी तरह उंगलियां, जिस साइड से हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं उस साइड मुड़ सकती है, विपरीत दिशा में ये नहीं मुड़ सकती। पिवोट ज्वाइंट, पिवोट ज्वाइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द स्पीन। पिवोट ज्वाइंट खोपड़ी और मेरुरज्जु, या हम कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी के बीच में पाया जाता है, यानी गर्दन में। इट अलाउ अस टू मूव अवर हेड साइड वे, या हमारे सिर को एक तरफ घूमने में, अपवार्ड ऊपर उठने में, डाउनवार्ड नीचे करने में सहायता करता है। ग्राइडिंग ज्वाइंट, अवर ज्वाइंट एट द रिस्ट एंकल एंड बिटवीन द वर्टेब्रे अलाउ अवर एंकलेट। ग्लीडिंग ज्वाइंट, ग्लीडिंग का मतलब घूमने वाले। अवर ज्वाइंट एट रिस्ट, हमारी कलाई, एंकल, टखने, यू कैन सी इन द पिक्चर। और रिस्ट, वर्टेब्रे और रीढ़ की हड्डी में, यू कैन सी हेयर। पाए जाते हैं अवर एंकल, रिस्ट एंड बैकबोन टू बैंड, ट्विस्ट एंड टम एट ईच अदर ज्वाइंट। हमारी टखने, कलाई, मेरुदंड,
टू बैंड झुक सकते हैं, ट्विस्ट मुड़ सकते हैं, टम एट ईच अदर ईच ज्वाइंट, और प्रत्येक ज्वाइंट से छू सकते हैं, जुड़ सकते हैं। दिस ज्वाइंट इज कॉल्ड ग्लाइडिंग ज्वाइंट, और इनको हम ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोलते हैं। इमोवेबल ज्वाइंट, ऐसे ज्वाइंट जो हिल नहीं सकते। ज्वाइंट दैट डू नॉट मूव एट आर कॉल्ड स्टैच्योर, वे ज्वाइंट वे जोड़ जो हिल या मूवमेंट नहीं कर सकते उन्हें स्टैच्योर कहा जाता है। दिस ज्वाइंट होल्ड द बोन्स इन आवर स्कल टुगेदर, और ये ज्वाइंट हमारे सिर की हड्डियों को एक साथ जुड़े रखते हैं। टेक टाइम टू थिंक, द बोन ऑफ द हेड हैव वेरी स्मॉल स्पेस बिटवीन दैम, सिर की हड्डियों को अपने बीच में बहुत ही कम जगह होती है, सिर की हड्डियों के जोड़ की अपने बीच में बहुत कम जगह होती है। दिस स्पेस प्रोवाइड क्यूशन बिटवीन द बोन्स टू टॉलरेट सर्टेन ब्लोज टू द हेड। दिस स्पेस और ये स्थान प्रोवाइड प्रदान करता है क्यूशन, एक तकिए का, बिटवीन द बोन्स टू टॉलरेट सर्टेन ब्लोज टू द हेड, हड्डियों के बीच में टू टॉलरेट सहन करने के लिए सर्टेन ब्लोज, कुछ निश्विशेष प्रकार के प्रहार को, टू द हेड सिर के ऊपर। नाउ नेक्स्ट, मास्कुलर सिस्टम, मांसपेशीय तंत्र। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 650 मसल्स फॉर मूवमेंट, कोई भी गतिविधि करने के लिए मानव शरीर के अंदर 650 मांसपेशियां होती है। इवन स्मॉलेस्ट ऑफ द मोशन रिक्वायर्स एट लीस्ट टू मसल, यद्यपि छोटी से छोटी हलचल के लिए हमें दो मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। एट दैट टू वर्किंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वे दोनों विपरीत दिशा में कार्य करती है। मसल्स मेकअप जस्ट अबाउट 1/2 ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मांसपेशियों ने लगभग मनुष्य के आधे शरीर का निर्माण किया है। वी वॉक, जंप, ईट, लिफ्ट विद द हेल्प ऑफ मसल, हम मांसपेशियों की सहायता से ही चलते हैं, उछलते हैं, खाते हैं और उठाते हैं। मसल टाइटन एंड रिलैक्स फॉर अस टू मूव ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ अवर बॉडी, मांसपेशियां हमारे शरीर के एक विशेष हिस्से पर कभी सख्त हो जाती है और कभी ढीली हो जाती है। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स, मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। एंड हेल्प द बॉडी पार्ट टू मूव, और मानव के शरीर को, हमारे शरीर को मूवमेंट करने के लिए, हलचल करने के लिए, हिलने के लिए सहायता करती हैं। देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन द मसल्स, मांसपेशियों में लगभग दो प्रकार की गतियां होती है। वॉलंटरी, ऐच्छिक गति जिसको हम जब चाहें जब करें, एंड इंडिविजुअली मूवमेंट, इनवॉलंटरली मोमेंट और अनैच्छिक गति गतिविधि है। वॉलंटरी मोमेंट स्वैच्छिक गतिविधियाँ। सम मसल हेल्प सर्टेन टाइप्स ऑफ मोमेंट लाइक मूवमेंट ऑफ आर्म, कुछ प्रकार की मांसपेशियाँ एक विशेष प्रकार के गतिविधि करने में हमारी सहायता करती है, जैसे मूवमेंट ऑफ आर बाजुओं की गतिविधि, लेग्स, टांगों की, फीट, पाँव की। दीज आर अंडर आवर कंट्रोल, ये सभी गतिविधियाँ हमारे नियंत्रण में होती है। सो दीज आर कॉल्ड वॉलंटरी मूवमेंट, इसलिए इन्हें स्वैच्छिक गतिविधि कहते हैं। इनवॉलंटरी मूवमेंट अनैच्छिक गतिविधि। सम मसल्स वर्क ऑल टाइम, कुछ मांसपेशियाँ हर समय काम करती है। इवन वैन वी आर असलीप, उस समय भी जब हम सो रहे होते हैं।
दीज मसल्स परफॉर्म एक्शन दैट कीप अस अलाइव। और ये मांसपेशियाँ वो कार्य करती हैं जो हमें जिंदा रखती हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द फूड पाइप, भोजन नली में भोजन की गतिविधि। मूवमेंट ऑफ हार्ट, हृदय की गतिविधि। एंड लंग्स और फेफड़ों की गतिविधियाँ आर इनवॉलंटरी मूवमेंट। ये सभी अनैच्छिक गतिविधियाँ हैं, यानी इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम इनको रोक नहीं सकते। द हार्ट मसल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वॉलंटरी मसल्स। हृदय की मांसपेशियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण अनैच्छिक मांसपेशियाँ हैं। इट बिगिन्स वर्किंग 7 मंथ्स बिफोर बर्थ, या जन्म होने से 7 महीने पहले काम करना शुरू कर देती है। एंड कीप वर्किंग थ्रू आउट द लाइफ, और संपूर्ण जीवन काम करती रहती है। तो डियर स्टूडेंट, यू विल रीड एंड लिसन दिस वीडियो फॉर 4 डेज। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। थैंक यू।